हेलो छात्रगण और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज ज्योग्राफी के नए चैप्टर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम देख रहे हैं, लिखा हुआ हिंदी में अक्षांश और देशांतर। ये चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, ऐसा महत्वपूर्ण पाठ जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि विश्व के ग्लोब पर आपकी स्थिति कहां है, आप विश्व के ग्लोब पर कहां स्थित हैं। अगर किसी व्यक्ति को अक्षांश और देशांतर दे दिया जाए, बता दिया जाए और यह बोला जाए कि यह ब्लैंक ग्लोब है, आपको उस देश को इस ग्लोब पे फिट करना है, तो आप अक्षांश और देशांतर के माध्यम से उस देश को विश्व के ग्लोब पर फिट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोब पर कौन से देश की, कौन से राज्य का, कौन से महादेश का स्थिति कहां है, वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कि साउथ ईस्ट में है, कि नॉर्थ ईस्ट में है, इस सारी बातों का पता आप बिना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े हुए नहीं जान सकते। नेक्स्ट, इस चैप्टर के माध्यम से आप विश्व के समय को निकालना जान सकते हैं कि अभी विश्व में कहां पर कितना समय हो रहा होगा। इसके माध्यम से किसी देश का अक्षांश और देशांतर अगर आपको मालूम है तो आप ही बता सकते हैं उस देश का क्लाइमेट कैसा होगा, किसी देश का समय आगे है, कहीं पर पीछे है, इस बात का पता भी आप अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही जान सकते हैं। विश्व के ग्लोब पर भारत कहां पे है, इसकी जानकारी भी आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़कर ही जान सकते हैं। विश्व के कौन से देश से, महादेश से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, इसकी जानकारी भी इससे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा विश्व में किसी देश, जिला, महादेश कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी भी आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के माध्यम से ही जान सकते हैं। इसलिए छात्रों, दोस्तगण, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जिसके माध्यम से आने वाले चैप्टर को जब पढ़ाई करेंगे तो उसे समझने में मुझे सुविधा हो जाएगी, आप लोग को सुविधा होगी कि कैसे वो चैप्टर इस चैप्टर से को रिलेट है। तो दोस्तों और छात्रगण, हम शुरुआत कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड। अब इस मैप पे गौर कीजिए, हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, अक्षांश पॉइंट पे। गौर कीजिए इस मैप पे, किसी भी मैप के सामने खड़े हो जाएं, ग्लोब के पास खड़े हो जाएं, तो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, दाहिनी ओर ईस्ट, बाईं ओर वेस्ट। ओके, अब हम इस ग्लोब पर एक लाइन डाल रहे हैं। छात्रों, आपने देखा कि मैंने एक लाइन डाल दिया और आपको यह मानना है कि सर ने जो लाइन दिया है
ये एकदम ग्लोब के बीचों बीच है। तो वैसी लाइन जो ग्लोब पर ईस्ट और वेस्ट को मिलाती है, जोड़ती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। मतलब अक्षांश रेखा क्या है? तो उसका उत्तर होगा ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली रेखा को सामान्य रूप से जनरल वे में अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा कि ये अक्षांश एकदम बीचों बीच में है, तो वैसी अक्षांश रेखा जो एकदम ग्लोब के बीचों बीच है उसे 0 डिग्री अक्षांश, या चूंकि ये लाइन भूमि के ग्लोब के मध्य में है इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। इसे विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन के नाम से भी पुकारी जाती है। तो देखिए छात्रगण, बीच वाली लाइन का 3 नाम हो गया, 0 अक्षांश, भूमध्य रेखा मेरिडियन लाइंस, और इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा। ओके, तो हम लोग अक्षांश को साथ में समझते हुए पढ़ते हुए नोट्स भी लिखना शुरू करेंगे। तो आपका चैप्टर का हेडिंग होगा देशांतर और अक्षांश, और उसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, ग्लोब पर पूरब और पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को सामान्य रूप से अक्षांश लैटिट्यूड अक्षांश के नाम से जाना जाता है। एवं वैसी अक्षांश जो ग्लोब के बीचों बीच खींची गई है, एवं जो अक्षांश ग्लोब के बीचों बीच खींची गई है उसे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, या भूमध्य रेखा मेरिडियन लाइन, या इसे विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन, या इसे विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, भूमध्य रेखा के उत्तर, ये उत्तर हुआ, चलिए आप पॉइंट लिखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर
90 अक्षांश रेखाएं, 90 लैटिट्यूड्स लाइन, 90 अक्षांश रेखाएं समानांतर रूप से पैरेलल वे में समानांतर रूप से खींची गई है। 90 लाइन, 90 डिग्री। जो एक प्रकार से भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, ये जो भूमध्य रेखा से एक प्रकार से कोणीय दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर मतलब दैट मीन्स सदर्न हेमोस्फेयर, भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर उत्तर की तरह, लाइक नॉर्दर्न हेमोस्फेयर्स, उत्तर की तरह 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार टोटल लैटिट्यूड लाइन, इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाएं बताइए कितनी होगी? 90 ऊपर 90 नीचे कितना होगा? 180। इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाएं 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है, 180 होती है। यद्यपि भूमध्य रेखा को जोड़कर, मतलब इसे ऐड करेंगे तो, यद्यपि भूमध्य रेखा को जोड़कर अक्षांश रेखाएं 181 होती है, 180 प्लस 1, 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री। यद्यपि भूमध्य रेखा को जोड़कर अक्षांश रेखाएं 181 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए छात्रगण, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लोब पर जो लाइन, जो रेखा ईस्ट और वेस्ट को समान रूप से जोड़ती है उसे कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? तो उसका उत्तर होगा अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। फिर प्रश्न आता है इक्वेटर लाइन के नॉर्थ, दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमोस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के उत्तर में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई है? तो उसका उत्तर होगा 90, नीचे भी 90। कुल अक्षांश कितना हुआ? तो 180। अगर प्रश्न ये आ जाए कि जीरो को जोड़कर कितना हुआ, तो 181। ओके छात्रगण, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की ही होती है। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है।
कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, 111। और अक्षांशों के बीच के जगह को और अक्षांशों के बीच के स्थान को या जगह को कटिबंध, बर पे लिखा हूं मैं, कटिबंध के नाम से पुकारी जाती है। कटिबंध के नाम से पुकारी जाती है, कटिबंध के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए मैं यहां कुछ लिख रहा हूं आप लोग के लिए, आप पहले समझ लें इसे। आप यूं समझे कि भूमध्य रेखा के ऊपर 90 लाइन सब डिग्री में है और इसके नीचे भी 90 लाइन। जब सब डिग्री में है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई तो लाइन होगा, डिग्री होगा जो 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री होगा नॉर्थ की ओर, होगा जो 66.5 डिग्री होगा और लास्ट में तो 90 डिग्री होगा ही। तो इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ। तो उसी प्रकार 23.5 नॉर्थ में भी है, 66.5 नॉर्थ में भी है, 90 डिग्री नॉर्थ में भी है। तो सेम टू सेम 23.5 नॉर्थ में भी, साउथ में भी है, 66.5 साउथ में भी है और 90 साउथ में भी है। ओके, अब इन लाइन का कुछ नाम दी गई है। जो 23.5 ऊपर में है उसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 साउथ में है उसे बोलते हैं मकर रेखा। जो 66.5 ऊपर में है, नॉर्थ में है, उसे बोलते हैं आर्कटिक लाइन। जो 66.5 नीचे में है उसे बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। 90 डिग्री जो नॉर्थ में है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में है उसे बोलते हैं साउथ पोल, जिसे हिंदी बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो छात्रगण, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाओं में, ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाओं में, रेखाओं में 23.5 डिग्री नॉर्थ, देखिए नॉर्थ है, याद रखा जाए छात्रगण, इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ। 27 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जबकि
23.5 डिग्री दक्षिणी सदर्न दक्षिणी रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार 66.5 इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा यहां पर सागर भी है उसी से नाम पड़ गया आर्कटिक रेखा जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा के नाम से जानी जाती है। अंटार्कटिका रेखा के नाम से जानी जाती है एवं नब्बे डिग्री उत्तरी भाग को नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी भाग को साउथ पोल मतलब दक्षिणी अक्षांश अर्थात दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ओके छात्रगण दोस्तों, आपको ये फिगर को ड्रॉ कर लेना है। आपने जो लिखा स्पष्ट रूप से इसी फिगर में दर्शाई गई है। आपने जो जो पॉइंट लिखा वो सब इस फिगर से क्लियर हो रहा है, तो आपको इस पॉइंट को लिखने के बाद इसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए छात्रगण, मैं बताना चाहता हूं कि इन सब लाइन में से 23.5 डिग्री ही ऐसी लाइन है जो भारत के बीचों बीच गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कर्क रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छात्रगण आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, अक्षांश रेखाओं में से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा कहते हैं भारत के बीचों बीच गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है।
इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो अब हम वर्ल्ड के मैप पे आएंगे और देखेंगे कि कर्क, मकर, भूमध्य, आर्कटिक, अंटार्कटिका रेखा वर्ल्ड में कहां कहां से होकर क्रॉस करती है, गुजरती है। एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है कि इनमें से कहां से होकर कर्क गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो गौर करेंगे छात्रगण कि ये लाइन जो टिप दिख रहा है, यह 23.5 नॉर्थ, यह है 23.5 साउथ, और यह है आपका 0 डिग्री। मतलब ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा नॉर्थ और साउथ में मकर रेखा। ओके, तो अब गौर करेंगे कि भूमध्य रेखा विश्व के साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। ओके, लिखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लिख लोड करेंगे कि विषुवत रेखा, मैंने 3 नाम दिया था वहां पे, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा विश्व के साउथ अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। जबकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा विश्व के उत्तर अमेरिका महादेश, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महादेश, ये देखिए लाइन, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा विश्व के साउथ अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, छात्रगण आप गौर किए होंगे कि मैंने जो लिखाया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन कि कौन कौन महादेश से होकर क्रॉस किया, लेकिन छात्रगण गौर किए होंगे अफ्रीका महादेश
एक ऐसा महादेश जहां से कर्क भी क्रॉस किया, मकर भी क्रॉस किया और इक्वेटर भी क्रॉस कर गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, विश्व में ऐसा कौन सा महादेश है जहां से कर्क मकर भूमध्य तीनों क्रॉस करता है? तो उसका उत्तर होगा अफ्रीका महादेश। तो छात्रगण, आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, विश्व में अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जहां से कर्क भूमध्य और मकर, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात कर्क भूमध्य और मकर तीनों गुजरती है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया महादेश के बीचों बीच से केवल मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न केवल मकर रेखा ही गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मकर रेखा ही गुजरती है। जबकि एशिया महादेश से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और साढ़े 66 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा गुजरती है। ओके छात्रगण, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहे हैं वो कहने का ये अर्थ है, प्रश्न आता है ऐसा कि इनमें से कौन कौन देशों से भूमध्य रेखा, दैट मीन्स 0 डिग्री क्रॉस कर जाती है। तो आपको छात्रगण ये ध्यान देना है कि विश्व में ऐसा कौन कौन इंपॉर्टेंस कंट्री है जिससे इक्वेटर लाइन क्रॉस कर जाती है। आपको इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम याद रखना है जिससे इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, विश्व में विश्व में इक्वेडोर, विश्व में इक्वेडोर कंट्री है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो रिपब्लिक, केनिया, सोमालिया,
सुमात्रा, बोर्निया इत्यादि महत्वपूर्ण देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित 37 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी अक्षांश में स्थित, उत्तरी अक्षांश दैट मीन्स नदर्न हेमोस्फेयर, उत्तरी अक्षांश में स्थित 37 डिग्री कर्क रेखा विश्व के महत्वपूर्ण देशों अर्थात मैक्सिको, लिखा आपने मैक्सिको, अल्जीरिया, 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 फिर लिखिए लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लिखा आपने चाइना, ताइवान और जापान के कुछ द्वीपों से, आइलैंड से होकर गुजरती है, कुछ द्वीपों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार, इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिण, वही मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिण अर्थात मकर रेखा विश्व के महत्वपूर्ण, विश्व के महत्वपूर्ण अर्जेंटीना, अर्जेंटीना चिली देश है, अर्जेंटीना चिली, पराग्वे, ब्राजील, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तथा कुछ न्यूजीलैंड के द्वीपों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वीपों से होकर गुजरती है। तो छात्रगण, आज मैंने क्लास में समझा अक्षांश, व्हाट इज लैटिट्यूड, क्या मीनिंग है, कौन कौन लाइन है, कितनी आपस में दूरी है, कितनी खींची गई है, नदर्न हेमोस्फेयर में कितनी है, सदर्न में कितनी है, किसका क्या नाम दिया गया है, और अगर नाम दिया गया है तो विश्व के कौन से महादेश और कौन से कंट्री से गुजरती है, और हमारे देश के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। ये मैंने खत्म किया
अक्षांश, जो ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर थर्ड था, थर्ड टॉपिक था जो विश्व के भूगोल से संबंधित है। ओके छात्रगण, थैंक यू।